हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव महामन अन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। यहां पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट है कि मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी मेरी चल रही है, आरएएस मेंस एग्जाम भी मैंने दिए हैं कई बार और मुझे 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। नाउ क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड असेस अनलिमिटेड लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी, अन अकेडमी पर किस तरीके से रजिस्टर हुआ जा सकता है। सबसे पहले आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पर 2 बेल आइकन आएंगे जिसमें एक तो गेट सब्सक्रिप्शन का बेल आइकन होगा और एक लर्न मोर का बेल आइकन होगा, तो आप गेट सब्सक्रिप्शन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप आरपीएससी सेक्शन में जाइए, यूपीएससी सेक्शन होता है, एनडीए सेक्शन, काफी सारे सेक्शन है, तो आप आरपीएससी सेक्शन में जाइए, वहां पर आरपीएससी सेक्शन को प्रेस कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए, फिर आपको वहां पर कुछ फी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिसमें 1 मंथ का फी स्ट्रक्चर होगा, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का। तो मेरी सलाह है कि आप 12 मंथ का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए जिसकी फीस है 7000 रुपीज है। यदि आप मेरा प्रोमो कोड है गौरव एम को यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 7000 की जगह आपकी फीस मात्र होगी 6300 रुपये। तो जल्दी से जल्दी 12 मंथ का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके अलावा यदि आप 24 मंथ का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी फीस होती 8400 रुपये या 8400 रुपीज होती है। यहां भी यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम यूज करते हो तो आपकी फीस फिर 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब किस आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन में लोगे या फिर किसी भी सब्सक्रिप्शन में लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी ये 24 मंथ्स की जो फीस होगी 8400 वो मात्र 10% डिस्काउंट के साथ 7560 रुपये होगी। और यदि आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा प्रोमो कोड यूज करें। एक बार अगर यदि आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो यहाँ पर कौन कौन सी सुविधा है, व्हाट यू विल गेट ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, क्या क्या आपको सुविधाएं यहाँ मिलेगी। फर्स्ट है यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। डेली लाइव क्लासेस मीन्स यहाँ पर काफी सारी दिन में डेली लाइव क्लासेस चलती है जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट भी कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कोई टॉपिक है आप उस पर, या फिर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, वो भी ऑनगोइंग क्लासेस में ये सुविधा है। सेकेंड है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। लाइव टेस्ट और क्विजेस का किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को समय समय पर इवेल्युएट करवाती है। यदि आप रेगुलर बोर्ड में मॉक टेस्ट और क्विजेस को ज्वाइन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरी परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में जा रही है, सही डायरेक्शन है या गलत डायरेक्शन है, अर्थात आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हो। थर्ड है स्ट्रक्चर कोर्सेज। स्ट्रक्चर कोर्सेज मीन्स कि जितने भी आरपीएससी एग्जाम करवाती है, अधीनस्थ बोर्ड या आरएसएफ डब्ल्यूएसबी एग्जाम करवाती है या फिर राजस्थान में कॉम्पिटिशन एग्जाम है, उनके सिलेबस को अरेंज किया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर किया गया है पूरा का पूरा, जिससे आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके, तो आप स्ट्रक्चर कोर्सेज की भी सुविधा है। और फोर्थ है अनलिमिटेड एक्सेस। यदि आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख भी सकते हो किसी भी डिवाइस पर और रिकॉर्डेड कोर्सेज को आप कितनी भी बार देख सकते हो। तो ये जितनी भी सुविधाएं हैं वो केवल अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी और किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी। और सबसे ज्यादा सभी का इंपॉर्टेंस होता है यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये 4 चीजें होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम आप आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने वनपाल और वन रक्षक की भर्ती निकाली है, यह है सीधी भर्ती है और अभी आई है 11 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आरएसएसएमबी ने या अर्थात अधीनस्थ बोर्ड ने इसका नोटिफिकेशन निकाला है। तो आपको अब लग जाना चाहिए तैयारी के लिए क्योंकि पटवार भर्ती परीक्षा भी जनवरी के महीने में करवा रही है और इसके बाद सीधे इसकी डेट दी जाएगी। और आपको पता है कि अधीनस्थ जो बोर्ड है उसके जो क्वेश्चन पेपर का नेचर आपको पता ही है, आपने देखा ही होगा कि वो कभी भी क्वेश्चंस
का उलटफेर करती है और कठिन से कठिन क्वेश्चन देने का प्रयास करती है। तो अधीनस्थ बोर्ड का जो नेचर है, जो पेपर ये सेंटर होते हैं इनके, तो वो टफ से टफ पेपर बनाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि हमने बात की थी कि पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर जो एलिजिबिलिटी थी वो थी ग्रेजुएशन की कर दी थी, तो काफी बच्चे थे ना वो इस परीक्षा से बाहर हो गए थे, पटवार भर्ती परीक्षा से, और एक RSCIT का जो कंप्यूटर कोर्स था तो वो भी इसमें था, तो बहुत सारे बच्चे इस परीक्षा से बाहर हो गए थे जो कि 10वीं पास थे और 12वीं पास थे। लेकिन वनपाल तथा वन रक्षक भर्ती परीक्षा आने से इसमें ये क्या करती है, 10वीं पास भी दे सकते हैं, 10th पास हैं और 12th पास हैं वो भी दे सकते हैं। तो आपके लिए बहुत शानदार मौका है, अभी से अपनी तैयारी पर लग जाएं। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ये सारे के सारे कोर्सेस कराए जा रहे हैं, वनपाल और वनरक्ष के कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने इसका नोटिफिकेशन आया है, ये अभी कितने नवंबर को आया है, 11 नवंबर को आया है, 2020 को आया है, ठीक है ना। ठीक है, वन विभाग सीधी भर्ती है ये 2020 के लिए, क्रमांक में दे रखा है, विज्ञापन संख्या ये है, क्या नाम है वैकेंसी का, वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 है, ठीक है ना। दो तरीके की वैकेंसी होगी, वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती जो कि अधीनस्थ बोर्ड कराता है, और अधीनस्थ बोर्ड का मैंने बताया था आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि ये 3600 पे ग्रेड तक की ही जो भर्ती होती है उनको निकालता है, ठीक है। इसका भी लेवल देखेंगे, ये किस लेवल का एग्जाम है। अब देखते हैं, ये दे रखा है वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती सीधी भर्ती 2020 है, ये इसका नोटिफिकेशन है। इसमें ये सीधे सीधे दे रखा है किस नियम के हिसाब से, वन विभाग, तो वन विभाग की साइट पर भी जाके एक बार चेक करना और वहां से जो भी सामग्री हो पढ़ने की वो वहां से डाउनलोड करना। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं सेवा शर्त जो 2014 के अंतर्गत आइए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं, ठीक है ना। जिसमें कितने कितने पद हैं, वनपाल के कितने हैं, वनपाल के हैं टोटल 87 पद है, काफी हैं वैकेंसी वनपाल की, और वन रक्षक के 1041 पद है, तो टोटल ये कितने हो गए, लगभग ये टोटल हो गए 1200 के आसपास पद निकाले हैं इनने, ठीक है ना। जिसमें हम देखते हैं नॉन TSP एरिया के भी पद होंगे, नॉन TSP एरिया अर्थात सभी व्यक्ति इसमें भर सकते हैं, जो ट्राइबल शेड्यूल एरिया नहीं है, नॉन TSP में सभी जो सामान्य होते हैं ना, जो बच्चे किसी भी जिले के भर सकते हैं, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र जो कि हमारा साउथ राजस्थान है, जैसे उदयपुर वगैरह चित्तौड़ वगैरह में कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो वहां पर ये इतनी सीटें हैं उनके लिए, ठीक है ना। अब आपको वनपाल की कितनी सीटें हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 73 सीटें हैं, काफी ज्यादा सीटें हैं वनपाल की, तो कमर कस लीजिए, और वन रक्षक की कितनी है 886 है, तो सीट्स काफी आई हैं। जो बच्चे पटवार भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने से रह गए थे उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, ठीक है ना। तो इसको आप सीरियस तरीके से ले लीजिए, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जो है वो जो पेपर सेट करते हैं उस पेपर का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है, लेकिन हम इतना प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा गाइड कर सके जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। विशेष नोट में देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कुछ ज्यादा उसकी नहीं है, आवेदन के सुधार के लिए पहले आप फॉर्म भरेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। आवेदन की प्रक्रिया आपको पता ही है, किसी भी ई मित्र कियोस्क के पास चले जाओ और वहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं, या फिर अपने SSO ID से अपने किसी भी डिवाइस पर भर सकते हो, मोबाइल से या फिर लैपटॉप वगैरह पर या फिर कंप्यूटर पर भर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, SSO ID बना लेना, उसमें पासवर्ड और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाना और ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसमें दे रखा है आवेदक अपना मोबाइल नंबर, ये तो आपको पता ही होगा सारी चीजें, ठीक है ना। परीक्षा शुल्क बता देता हूँ एक बार मैं इसका, कि परीक्षा शुल्क है सामान्य वर्ग के लिए, EWS के लिए और क्रीमी लेयर श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग 450 रुपये है, ठीक है, और नॉन क्रीमी लेयर के लिए
जो ओबीसी वाले बच्चे हैं या फिर अति पिछड़ा एमबीसी वाले हैं उनके लिए 350 रुपये है और SC ST के लिए 250 रुपये है, इसको भी देख लेना एक बार, ठीक है। परीक्षा शुल्क के बारे में बात हो गई है, प्रवेश पत्र जब भी क्या कहते हैं डाल दिए जाएंगे, ऑनलाइन ही डाले जाते हैं तो वो डाल दिए जाएंगे प्रवेश पत्र। अब देख लेते हैं कैटेगरी, देख लेते हैं एक बार, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए जिसको आप सभी भर सकते हो, नॉन TSP एरिया में किस किस तरीके से वैकेंसी डिवाइड की गई है उसको देख लेते हैं, ठीक है। वन पाल का देखते हैं पहले, कुल पद कितने मैंने बताई दिया आपको, 73 पद है टोटल, ठीक है। सामान्य के जो जनरल के पद हैं जिसमें सामान्य जो मेल के पद हैं, यहां पर मेल होना चाहिए, सामान्य मेल के जो पद हैं वो है 10, ठीक है, और सामान्य महिला जो जनरल वोमेन्स है उनके लिए 2 पद है और विधवा के भी 2 हैं और परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। अब देख लेते हैं अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के कितने कितने पद है, सामान्य के कितने हैं 14 पद है, सामान्य महिला के हैं 4 पद और विधवा का 1 है और परित्यक्ता या फिर डिवोर्सी का 1 पद है। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के भी काफी पद है, यानी हर कैटेगरी के अंदर काफी पद दे रखे हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी का वनपाल के अंदर पद नहीं है, इसको भी आप ध्यान रखना। और अति पिछड़ा वर्ग अर्थात एमबीसी के 6 पद है, काफी पद है, और महिलाओं के इसमें 3 पद है, तो मतलब हर कैटेगरी में पद है लेकिन ओबीसी कैटेगरी में पद नहीं है, तो ओबीसी वाले भी इसमें क्या कहते हैं जनरल में ही अप्लाई करें, ठीक है ना, जिसके भी इसमें 10 पद है यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, महिला कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एमबीसी वाला देख लिए और आखिरी में हम देखते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनके सामान्य के 5 पद हैं और सामान्य महिला के 2 पद हैं, तो ईडब्ल्यूएस के भी पद हैं, एमबीसी के भी काफी पद हैं वनपाल में, और अनुसूचित जाति और जनजाति तथा सामान्य के इनफ पद हैं। लेकिन हम अगर वन रक्षक की बात करते हैं तो वन रक्षक में तो बंपर भर्ती है ये पूरी, राजस्थान के जो भी परीक्षा कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए बहुत शानदार वैकेंसी है, 886 पद है जिसमें से सामान्य के जनरल के जो पद हैं वो 281 है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। सामान्य महिला 80 पद है और विधवा के 32 पद है इसमें, ये देखो आप कितने सारे पद दे रखे हैं, तो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। डिवोर्स की के है 8 पद है, इसी तरीके से SC जो शेड्यूल कास्ट है उसके कितने हैं 103 पद, ये हैं 29 पद हैं, तो इस तरीके से देखते हैं अनुसूचित जनजाति के कितने पद हैं, 67 पद अनुसूचित जनजाति के सामान्य के हैं, महिलाओं के 19 पद हैं और डिवोर्सी और क्या कहते हैं विधवा महिलाओं के 8 तथा 2 पद हैं। इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें काफी वैकेंसी 46 और महिलाओं की 14, 5 और 1। इसी तरीके से अति पिछड़ा वर्ग है, ठीक है ना, एमबीसी के 62 पद हैं, फिर 18 है और 7 है विधवाओं के और 1 है परित्यक्ता के, और ईडब्ल्यूएस के कितने कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के सामान्य के 63 है और सामान्य महिला के 18 हैं, विधवाओं के 7 हैं और परित्यक्ता के 1 हैं, तो इस वजह से वन रक्षक की बंपर भर्ती आई है और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको पता चल गया हर व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति 10वीं या 12वीं पास होता है। एक बार हम आयु सीमा की भी चर्चा करेंगे आगे। अब देखते हैं टीएसपी एरिया में कितने कितने पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र के कितने पद हैं और नॉन टीएसपी एरिया के अभी हमने देख लिए। टीएसपी मतलब जो ट्राइबल एरिया होता है, जनजाति क्षेत्र होता है, उसमें वनपाल के 14 पद हैं टोटल और वन रक्षक के 155 है, यहां भी काफी पद है, कहीं तो एक एक सीट के लिए मारामारी होती है, तो यहां पर तो बंपर भर्ती आई हुई है। इसमें सामान्य के कितने हैं, 4 पद हैं और विधवा के इसमें सामान्य में 1 पद है, अनुसूचित जाति के 2 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 5 हैं और इसमें 2 हैं, तो इसमें क्या कहते हैं ओबीसी के पद नहीं है, एमबीसी के पद नहीं है और ईडब्ल्यूएस के पद नहीं है, तो वो सामान्य में ही अप्लाई करें। वन रक्षक में देखते हैं, इसमें भी वही है, 43 पद सामान्य के हैं, 13 पद महिलाओं के हैं, 5 पद विधवाओं के हैं और 1 पद परित्यक्ता के हैं। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के लिए 3 पद दे रखे हैं सामान्य के लिए, फिर 1 पद सामान्य महिला और विधवा के लिए 1 पद है। इसी तरीके से जनजाति के काफी पद हैं, यहाँ पर देखो आप 62 पद हैं 155 में से,
जो सामान्य के हैं, अनुसूचित जनजाति के, और 18 पद किसके, सामान्य महिलाओं के, और 7 पद विधवाओं के, और 1 परित्यक्ता थे। तो हमने टीएसपी एरिया की बात कर ली जो कि राजस्थान के साउथ वाले रीजन में पड़ता है, तो उसके भी अभ्यर्थी देख लें इस वीडियो को जिससे वो समझ सकें किस कैटेगरी में कितने पद दे रखे। अब नोट में क्या है कि प्रत्येक पद के लिए अभ्यर्थियों का अलग अलग ऑनलाइन आवेदन भरना होगा, यानी अगर आप वनपाल के लिए भर रहे हो तो उसके लिए एक अलग फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन आपको, और वन रक्षक की कर रहे के लिए भर रहे हो तो उसके लिए अलग पद। जैसे कि कोई व्यक्ति 12th पास है तो 12th पास है तो 10th पास तो पहले से ही है, तो वो वनपाल के लिए भी भर सकता है और वन रक्षक के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको एक फॉर्म ना करके अलग अलग फॉर्म में भरना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो सामान्य है कि जो नॉन टीएसपी और टीएसपी के बारे में दे रखा है, इसमें कोई वो नहीं है, और तो इसमें कोई भी, हाँ ये है, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विज्ञापन जारी होने के उपरांत पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। तो आप तो बढ़ोतरी पर ध्यान दीजिए कि पद और भी बढ़ाए जा सकते हैं, वैसे तो 1200 पद काफी ज्यादा होते हैं, बंपर भर्ती है, लेकिन पद और भी बढ़ाए जा सकते हैं। अब ये विशेष सूचना है कि अधिसूचना है, और इसका तो इसको तो छोड़िए आप, ठीक है ना, ये आपके जो काम काम की चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों हेतु जो भी भूतपूर्व सैनिक है, आर्मी के भाई हैं या फिर बीएसएफ वगैरह किसी के भी भाई हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और उनके लिए कितना आरक्षण दे रखा है, 12.5% आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% आरक्षण है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी को तीव्र गति दे सकते हैं, क्योंकि पटवार भर्ती परीक्षा भी है और ACF की परीक्षा भी है और काफी सारी भर्ती परीक्षाएं, और उसके बाद वनपाल और वनरक्षक भर्ती भी आ चुकी है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, आपको पता है MCQ वाली परीक्षा होती है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की परीक्षा होगी, ठीक है ना। अब अगले पर चलते हैं, स्पष्टीकरण ये अपने काम का नहीं है। उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में ये भी काम का नहीं है हमारे। विशेष योग्य जन के लिए, जो दिव्यांग जन है उसके लिए भी योग्यताएं दे रखी है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी, यहां पर ध्यान देना कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के निर्देश दे रखे हैं, तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है ना। वेतनमान है, वेतनमान कितना राज्य सरकार वेतन देगी, इसमें कितना वेतन होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं वनपाल का वेतनमान कितना है। वनपाल का वेतनमान है, पे लेवल क्या है, मैट्रिक्स लेवल 8, यानी 8 लेवल का जो वेतन राज्य सरकार देती है वो किसको मिलेगा, वनपाल को मिलेगा। और वन रक्षक को कितना मिलेगा, लेवल 4 वाला वेतन मिलेगा, ठीक है ना। तो वनपाल का वेतन काफी ज्यादा है और वन रक्षक का भी अच्छा वेतन है, मतलब सरकारी नौकरी है एक तरीके से, और बढ़िया सरकारी नौकरी है, वन के अंदर आप उनकी रक्षा करेंगे वनों की, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो बात की चीजें हैं अन्य शर्तों में, ठीक है ना, इस पर ध्यान नहीं देना है। आप देखते हैं जो मेन चीज है, आपकी पात्रता क्या होगी और शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे वनपाल के लिए देखेंगे, फॉरेस्टर के लिए देखेंगे, ठीक है। फॉरेस्टर के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या फिर सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित परीक्षा था 12th पास होना चाहिए बच्चा। यदि किसी ने 12th पास कर ली है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। RBSC से हो, राजस्थान बोर्ड सीनियर एजुकेशन से हो, या फिर CBSE से हो, या फिर इसके समतुल्य किसी भी बोर्ड से हो, तो ये है। और साथ में दूसरी योग्यता क्या है कि देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी में कार्य करने का ज्ञान हो और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान है, अर्थात राजस्थान जीके का पता होना चाहिए, कल्चर का पता होना चाहिए, और यहाँ की भाषा बोली को थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए, रिच कल्चर है, तो वो ये दे रखा है। अब हम देखते हैं वन रक्षक के लिए क्या क्या है। वन रक्षक के लिए ये तो हमने 12th पास है वन पार्ट के लिए, और वन रक्षक के लिए क्या है,
यह मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या फिर उसके समतुल्य यानी 10th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है ना। और सेम कंडीशन यहां पर भी दे रखी है कि देवनागरी लिपि में जानना चाहिए या फिर हिंदी जानना चाहिए या और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात वन रक्षक 10th क्लास पास दे सकते हैं और वनपाल 12th दे सकते हैं। यदि किसी ने 10th और 12th दोनों कर रखी है तो वो दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन अलग अलग करना है आपको, एक आवेदन नहीं करना है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना कि आपका फॉर्म दो अलग अलग तरीके से भरा जाएगा, ऐसा नहीं हो कि आप एक ही फॉर्म भर दो। अब देखते हैं इसमें, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो या फिर कोई बच्चा 12th में इस साल हो वो भी इसको भर सकता है, या फिर 10th में हो तो वन रक्षक के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लिखित परीक्षा मैंने बताई दिया, साक्षात्कार भी बता दिया मैंने, साक्षात्कार दो चरणों में, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, या मतलब दो है। और इसमें अभी हम बात भी करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी की, क्या फिजिकल एफिशिएंसी कितनी चाहिए, इसमें कौन कौन से कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं, या फिर बोल सकते हो आप कि कितने किलोमीटर तक आपको पैदल चलना है, या फिर कितनी वो भी जो भी है बॉल कितना मीटर फेंकते हैं उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखते हैं अगला है हमारा, शारीरिक मापदंड कितना होना चाहिए और दक्षता परीक्षण कितना होना चाहिए। अर्थात आपके शरीर को चेक किया जाएगा कि पुरुषों का चेक किया जाएगा कि वो 163 सेंटीमीटर से यदि ऊपर हैं तो वो ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, दोनों पदों के लिए, वनपाल और वनरक्षक। यदि महिला अभ्यर्थियां हैं तो उनकी ऊंचाई में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है 13 सेंटीमीटर का, यानी 150 सेंटीमीटर की अगर ऊंचाई है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीने का घेरा कितना होना चाहिए, सामान्य के लिए 84 होना चाहिए और फैलाव में 5 सेंटीमीटर और फैल जाए वो, और महिलाओं के लिए 79 और 5 सेंटीमीटर और फैलाव में, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अनुसूचित जनजातियों जैसे असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, लद्दाखी, ये दे रखे हैं, उनके लिए ऊंचाई में रिलैक्सेशन दे रखा है दोनों कैटेगरी में, पुरुष और महिला कैटेगरी में दोनों। अब जो मेन चीज है जो सबसे टफ है इस एग्जाम में, यदि आप जो लिखित परीक्षा है या फिर रिटर्न टेस्ट को पास करने के बाद आपको जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, वो किसमें, 4 घंटे के अंदर अंदर तय करनी पड़ेगी, ठीक है ना, पैदल चलकर करनी पड़ेगी या फिर आप आराम आराम से तेज तेज चलकर भी उसको पार कर सकते हो। तो ये इसकी प्रैक्टिस आवश्यक है, जिससे अगर आप नहीं कर पाते तो आप भर्ती से बाहर हो जाते हो, तो अभी से भी इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि महिला अभ्यर्थी है तो उनको 16 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, वो भी 4 घंटे में ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता में निम्नलिखित माप प्राप्त करने होंगे अभ्यर्थी स्वयं के लिए जोखिम पर शारीरिक दक्षता। देखो हमने बात करी का की, ठीक है, जिसमें क्या दे रखा था, ऊंचाई दे रखी थी कि कितनी हाइट होनी चाहिए। फिर हमने बात करी खा की, जिसमें पदचाल अर्थात पैदल चलना कितने समय में, 4 घंटे में पुरुषों को 25 किलोमीटर और महिलाओं को 16 किलोमीटर। अब हम बात कर रहे हैं गा की, कि वन रक्षक पद के लिए सीधी भर्ती के लिए शारीरिक रक्षा के लिए निम्नलिखित मानदंड प्राप्त करने ही होंगे आपको, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी गा के अंदर है, पुरुषों के लिए सिटअप्स, सिटअप्स जानते ही होंगे आपको, सिटअप्स कितने लगाने हैं, 1 मिनट में 25 सिटअप्स आपको लगाने हैं इसके अंदर। और क्रिकेट बॉल होती है ना, जो लेदर की बॉल होगी, ये लेदर की बॉल होगी, ये नहीं है कि आप ये सोचोगे और किसी की बॉल होगी तो काफी भारी होती है, तो उसको कितना फेंकना चाहिए, 55 मीटर तक आपको फेंकना होगा, ठीक है ना। अब महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए तो ये है, और महिलाओं के लिए क्या क्या है, लंबी कूद है 1.35 मीटर की, या फिर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप्स भी है, गोला फेंक भी है, गोला फेंक दे रखी है कितनी है, 4.5 मीटर की। तो अभी से इसका अभ्यास करना स्टार्ट कर दीजिए जैसे जैसे आप तैयारी करने जाते हो। तो शॉर्टपुट भी है इसमें, शॉर्टपुट भी 4.5 मीटर है, 4 किलो का होगा शॉर्टपुट, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो सीधे सीधे एलिजिबिलिटी दे रखी है कि आपको ये तो करना पड़ेगा जो सेकंड चरण होगा उसके अंदर, ठीक है।
और एक चीज मेन इंपॉर्टेंट है कि शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको क्वालिफाई करना है, इसका लिखित परीक्षा से कोई संबंध नहीं, आपको केवल इसको क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो इस वजह से थोड़ा बहुत करते रहना जिससे एंड टाइम पर प्रॉब्लम नहीं आए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। मेनली जो मेरिट बनेगी वो किसके आधार पर बनेगी, लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए वन रक्षक वनपाल के लिए, तो चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीयता आपको पता है कि भारत का नागरिक हो, ठीक है ना, भारत के नागरिक ही हैं सब, ठीक है। एक बार आयु देख लेते हैं, आयु बहुत मेन इंपॉर्टेंट है वनपाल के लिए, फॉरेस्टर के लिए, कि 1 जनवरी 2021 को 18 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। तो भाई 10th और 12th वाले हैं तो इतनी आयु पे तो वैसे ही नहीं पहुंचेंगे, तो 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक आयु का प्रावधान है, ठीक है ना। और साथ में 3 वर्ष की छूट दे रखी है, इसको भी आप ध्यान रखना। देखते हैं इसमें जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती आयु की दृष्टि से पात्रता, तो उसे भी, यानी आपको 3 साल का और रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें, तो ये कितना हो गया, 43 हो गया, ठीक है, सभी सभी के लिए, क्योंकि बीच में वनपाल तथा वन रक्षक की इतने सालों से भर्ती नहीं आई है। अब वन रक्षक के लिए देख लेते हैं, 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, ये भी 18 से 24 वर्ष है, इसमें आयु सीमा कम है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि वन रक्षक के लिए आयु सीमा काफी कम है, लेकिन वनपाल के लिए जो फॉरेस्टर है उसके लिए आयु सीमा काफी ज्यादा है, और लेवल 8 भी है, आपको तनख्वाह भी बहुत मिलेगी, लेकिन पद ठीक ठाक है, अच्छे पद। और वन रक्षक की तो क्या है, बंपर भर्ती है ये सभी के लिए, तो अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी, इसमें भी 3 वर्ष की से अधिक नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो 24 और 3 कितने हो गए, 27 हो गए, 27 साल के तक के जो बच्चे हैं तो इसके लिए वो पात्र हैं, ठीक है। अब आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं SC ST के लिए आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की दी गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए और MBC के लिए इतनी है, लेकिन EWS के लिए छूट नहीं। देखते हैं सामान्य वर्ग व आर्थिक रूप से, हाँ सामान्य वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है, ठीक है। SC ST के लिए क्या है कि ये बाहर के बच्चे हों, OBC के, राजस्थान के बाहर के बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते कैटेगरी में, उनको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान की मूल निवासी होना जरूरी है, तभी उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों की कितने दी गई है, 10 साल की छूट दी गई है, ठीक है। अब हमने देख लिया ये जो जो हमारे काम का था, ठीक है ना, ये और तो NCC कैडेट वगैरह इनके बारे में दे रखा है। इस तरीके से आप, अब हम देख लेते हैं 12वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी हो, ई मित्र वाले से फॉर्म भरवा लो या किसी से भी, तो 8 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी 2020 तक 12 बजे तक जमा करा सकते हो आप फॉर्म को, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दे रखा है दोनों के लिए, यही है वनपाल और वन रक्षक के लिए। 8 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो पहले ही जमा फॉर्म को सबमिट करवा देना, जिससे बाद में झंझट नहीं हो कि आप का क्या कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम हैंग हो रहा है, अधीनस्थ बोर्ड वाला कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले दिन ही या फिर 2-3 दिन के अंदर इस फॉर्म को फिलअप कर देना, ठीक है। परीक्षा का माह एवं दिनांक, तो परीक्षा का माह एवं दिनांक ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका एग्जाम कब होगा। अभी तो इसका शेड्यूल नहीं डाला है, अधीनस्थ बोर्ड ने नहीं बताया है कि इसका एग्जाम कब होगा, लेकिन मान लो आप इसका एग्जाम जनवरी में पटवार का एग्जाम है, तो फरवरी लास्ट या फिर मार्च, मार्च मान लो आप, मार्च के आसपास इसका एग्जाम होने की संभावना है। जैसे कि अभी आपके जनवरी 7 जनवरी तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, फरवरी मार्च, मार्च से अप्रैल तक के बीच में तो आपके पास समय भी कम है, इस वजह से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस वजह से फॉर्म फिलअप कीजिए, और फॉर्म फिलअप करने के बाद या उससे पहले तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।
ठीक है, आवेदन कैसे करें? किसी भी आपने मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह जो भी हो, क्या कहते हैं, आईडी से चले जाइए और कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब ये है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, ये भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो पहली बार में ही आप इसको फॉर्म फिलअप करके अपनी तैयारी को तीव्र गति दीजिए। तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है, बंपर भर्ती आई है, तो इसको बहुत ही सीरियस लें बच्चे, 10th पास और 12th पास, और जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कीजिए, और साथ में अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। यहां पर ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली टेस्ट क्विजेस की सुविधा मिलेगी, तो इस वजह से, और लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्स अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, ठीक है ना। और मेरा प्रोमो कोड है गौरव ऐप, इसको यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। और अनअकैडमी का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय समय सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाइए, और बेल आइकन दबाने पर आपको जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन पहले से ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए वनपाल वनरक्षक के लिए। धन्यवाद।